नमस्कार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये तो पता ही है। तो फिर क्यों न अपने मन को मजबूत करें और जुट जाएं तैयारी में। क्लास 9 क्षितिज से आज का हमारा चैप्टर है लासा की ओर। इसका विश्लेषण एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हो चुका है। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं कविता कौशिक सरल भाषा में आज आपको समझाने जा रही हूँ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीख मंगी के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है बच्चों, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व है। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रखने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे उनके पास कुछ भी नहीं है या है, इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसका उत्तर, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। पहला, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था और दूसरा, वह रास्ता भटक कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहां से वापस आना पड़ा। तो बच्चों, हमने ये पाठ में पढ़ा था कि किस तरह से लेखक पीछे रह गया था अपने मित्र से, और पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। लासा है वो मतलब चीन का एक जगह है, और तिब्बत के लिए वहाँ ये जाते हैं। कौन? लेखक महोदय राहुल संक्रत्यान, और उन्होंने वही वर्णन इसमें किया है, अपना यात्रा वृतांत पूरा बताया है। एक तरह से संस्मरण है कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह से वहाँ पहुँचे, उनके मित्र कैसे थे, वहाँ की जनता कैसी थी, इन सारी बातों का वर्णन उसमें किया हुआ है। तो प्रश्न उत्तर जानने से पहले वो पाठ पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ा है और पढ़ भी लिया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको आसानी से पूरे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4, लेखक ने विहार में सुमती को उनकी यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो लेखक जानता था शेखर विहार में सुमती के यजमान रहते हैं। सुमती उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते थे, इसलिए मना कर दिया। तो जो सुमती था वो उनका मित्र था, और वो एक कपड़े की मतलब छोटी छोटी फाड़ फाड़ के किनारियाँ वो बेचा करते थे धर्म के नाम पर, और उसमें बहुत टाइम लगता था, इसके लिए लेखक ने वहाँ जाने से मना कर दिया। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर इस प्रकार है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? इसका उत्तर इस प्रकार है, इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा पर था, छुआछूत जैसी बुराइयां न थी,
महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भीख मंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। प्रश्न नंबर 7, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। और ये ऊपर वाला जो मैंने बताया वो प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, तो इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली है, सुमति मिलनसार हंसमुख व्यक्ति थे जिसकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे, मतलब एक तरह से लालची थे। और कपड़ा, वो बौद्ध गया से जो कपड़ा लाते थे उसको आस्था का, धर्म की आस्था का नाम देकर लोगों को बांटते थे, लेकिन जब ख़त्म हो जाता था तो भी कोई भी कपड़ा उठाकर उसमें से काट काट कर पटिया लोगों को बांट देते थे। तो इस तरह से वो लोगों से लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे। प्रश्न नंबर 8, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए, उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं, आपकी समझ से ये उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। बच्चों, इसमें ये पूछना चाहता है कि हम जिस तरह का पहनावा पहनते हैं उससे क्या हमारी संस्कृति झलकती है, हमारे आचार विचार प्रकट होते हैं, हमारा व्यवहार समझ में आता है लोगों को, तो इसमें आपकी राय क्या है। तो उत्तर इस प्रकार है, ये बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भीखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। कि लेखक को यह था कि मैं भीखमंगी के रूप में हूँ, लोग मुझे दुत्कारेंगे, लेकिन फिर भी शेखर विहार के जो भिक्षु थे उन्होंने लेखक को बहुत सम्मान दिया। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं और पूज्य होते हैं, परंतु ये बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। तो बच्चों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आप अच्छा पहनावा, अच्छे कपड़े पहनने वाले को ज़्यादा सम्मान देते हैं, या फिर साधारण कपड़े वाले को भी आप अच्छा इंसान समझ लेते हैं? तो इसमें आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों? लेखक ने तिब्बत की यात्रा भीखमंगे के वेश में की क्योंकि उस समय तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था। इसके अलावा डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर डाकू से इसी वेश में जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि डाकू लोग जो थे ना, भिखारियों पर आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता होता था इनके पास कुछ है ही नहीं। बाकी दूसरे लोग अच्छे पहनावे वाले दिखते थे, उनको मारकर उनका सब कुछ लूट लेते थे, इसलिए लेखक ने भीखमंगी के वेश में यात्रा की। प्रश्न नंबर 10, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या अनुभव, नए अनुभव प्राप्त किए? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वहाँ समाज में छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयाँ नहीं है, वहाँ औरतों को अधिक स्वतंत्रता मिली है, लोगों में छंद पीने का रिवाज है, बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती अंधविश्वासी भी हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन सी अच्छी बातें हैं? तिब्बत में यात्रियों के लिए अच्छी बातें हैं कौन कौन सी? लोगों का मूड ठीक करने के लिए आसानी से रहने की जगह मिल जाती है, औरतें चाय बनाकर देती हैं, यहाँ घर में आसानी से जाकर अपनी आंखों के सामने चाय बनाई जा सकती है, महिलाएं भी आतिथ्य स्वीकार सत्कार में रुचि लेती हैं। प्रश्न नंबर 12, डांडे क्या हैं, वे सामान्य जगहों से किस तरह भिन्न हैं?
तो तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह है। ये 17-18 फीट ऊंची ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आसपास गांव न होने से डाकुओं का भय सदा बना रहता है। डांडे के देवता का स्थान कहाँ था, उसे किस प्रकार सजाया गया? डांडे के देवता का स्थान सर्वोच्च स्थान पर था। उसे पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों, जानवरों की सींगों आदि से सजाया गया था। ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, एक एक प्रश्न, बहुत ही सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्नों को 2-3 बार सुन लोगे तो आपको सब समझ में आएगा, और इनकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इनके उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 14 है, लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहाँ के किलों को परियक्त क्यों कहा गया? लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहाँ किले बने थे। इन किलों में कभी चीनी सेना रहती थी, आज ये किले देखभाल के अभाव में गिरने लगे हैं। कुछ किसानों ने आकर यहाँ बसेरा बना लिया है, इसलिए इन्हें परित्यक्त कहा गया। यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई? उत्तर इस प्रकार है, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर भीख मंगों का वेश बनाकर यात्रा की, और डाकू जैसे किसी को देखते ही टोपी उतारकर कुची कुची एक पैसा कहकर ये बताता है कि वह भिखारी है, मतलब कुची कुची दया 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 एक पैसा, मतलब भिखारी के रूप में उन्होंने पैसा मांगना शुरू किया। किसने? लेखक ने, ताकि डाकू से वो बच सकें। तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं है? तिब्बत में हथियारों का कानून न होने से डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि वे किसी की हत्या कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाह नहीं मिलता, वे आसानी से बच जाते हैं। तो कानून का भय इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर कोई देखने जाने वाला नहीं है, सुनसान जगह होती है, और वो हत्या कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई सबूत भी नहीं मिल पाता है, कोई गवाह भी नहीं होता वहाँ पर। कंजूर क्या है, इनकी विशेषताएं लिखी हैं। कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित प्रतियां हैं। ये मोटे कागजों पर सुंदर अक्षरों में लिखी गई हैं। ये प्रतियां भारी हैं, इनका वजन 15-15 शेर तक है। 15-15 शेर मतलब 15 किलो की एक कंजूर है। तो हाथों से लिखी हुई पुस्तकें हैं बुद्ध के वचनों से संबंधित। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई शब्द को लेकर या कोई प्रश्न को लेकर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। थैंक यू सो मच।